फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज़ मोनिका। आज हम लोग करने वाले हैं लिटरेचर ऑफ़ द एलिजाबेथन एज, जो कि हमारी पोइट्री के सेक्शन का एलिजाबेथन एज हम लोग कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग चौसर का एज और रिवाइवल एज ऑफ रिवाइवल कर चुके हैं। अब हम लोग एलिजाबेथन एज करते हैं। एज ऑफ रिवाइवल, जैसा कि आपको पता है, बैरन एज था, एकदम बंजर एज था। उसमें बहुत ज़्यादा पोइट्री फ्लॉरिश नहीं हुई, पर जो एलिजाबेथन एज थी उसमें पोइट्री फ्लॉरिश हुई। ये एज मानी जाती है 1558 से लेकर 1603 तक। अब देख लेते हैं एलिजाबेथन पोइट्री किस टाइप की थी, उस टाइम पे क्या कुछ चेंजेस आए, सोशल कंडीशंस कैसी थी। इस टाइम पे जो पोइट्री राइटिंग था वो एजुकेशन का ही एक पार्ट बन गया था। इस टाइम पे जो एलिजाबेथन एज में जो सोनेट्स लिखे गए वो किस टाइप के थे? टू टाइप्स के मेन सोनेट्स लिखे गए। वन ऑफ देम वाज इटालियन और दूसरा था पेट्रार्कन। इसमें शेक्सपियरन सोनेट भी लिखा गया और स्पेंसेरियन सोनेट भी लिखा गया। इटालियन और पेट्रार्कन सोनेट के बारे में उनकी राइमिंग स्कीम दी गई है, वो आप एक बार देख लीजिए। जो ये पेट्रार्कन सोनेट था इसको इंग्लिश में सर थॉमस वाइट ने कॉपी किया था, जो लेकर आए थे पेट्रार्कन सोनेट को इंग्लिश में, वो थॉमस वाइट थे। नेक्स्ट इज शेक्सपियरन सोनेट। इसकी राइमिंग स्कीम दी गई है ए बी सी डी ई एफ ई एफ जी जी। शेक्सपियर ने पेट्रार्कन सोनेट को एज इट इज़ नहीं उठाया, जबकि उसमें कुछ चेंजेस करके फिर उसको एक नए सोनेट के रूप में बनाया। इन्होंने 154 सोनेट्स लिखे थे जो एक क्वार्टो के रूप में पब्लिश हुए 1609 में। नेक्स्ट इज स्पेंसेरियन सोनेट, जो कि एडमंड स्पेंसर ने दिया था, तो इनके नाम पे इसका नाम स्पेंसेरियन सोनेट पड़ गया। तो जो द फेयरी क्वीन थी, इसमें फर्स्ट टाइम ये इंट्रोड्यूस हुआ था स्पेंसेरियन सोनेट। अब हम लोग देख लेते हैं, अब तक हमने राइमिंग स्कीम देख लिया, अब हम लोग देखते हैं मेन पोइट्स जो थे एलिजाबेथन एज के वो कौन कौन थे। तो पहला नाम आता है एडमंड स्पेंसर। एडमंड स्पेंसर के जन्म के बारे में, उनकी एजुकेशन के बारे में कुछ डिटेल्स हैं। अब हम लोग इनके लिटरेरी वर्क्स देख लेते हैं। द शेफर्ड कैलेंडर से बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे स्पेंसर। ये वर्क इन्होंने फिलिप सिडनी को डेडिकेट किया था। ये पेस्टोरल डायलॉग्स हैं इसमें। नेक्स्ट वर्क है द फेयरी क्वीन। ये इन्होंने एलिजाबेथ को डेडिकेट किया था और उन्होंने उनको खुश करने के लिए एक तरह से लिखा था, ये उनका फेवर लेने के लिए। इसके बदले में स्पेंसर को अच्छा खासा प्राइस भी मिला। स्पेंसर को इसके बदले में 100 पाउंड्स का इनाम भी मिला, जो कि एलिजाबेथ ने उनको दिया था। मदर हबर्ट टेल के कारण उनको बहुत ज़्यादा गुस्से का सामना करना पड़ा, लॉर्ड बर्गले के गुस्से का सामना करना पड़ा। ये जो मदर हबर्ट टेल है, ये इन्होंने स्पेंसर ने द फेरी क्वीन से पहले लिखी थी। इसके बाद में जो वो इतना ज़्यादा गुस्से का सामना करना पड़ा लॉर्ड बर्गले का, उसके बाद में स्पेंसर वहाँ से चले गए और अपनी सिस्टर के पास जाके रुके आयरलैंड में। अब वो अगर आयरलैंड में गए हैं, एक पोइटिक माइंड आयरलैंड में गया है, तो वहाँ पे भी वो खाली नहीं बैठे। उन्होंने एक पम्पलेट पब्लिश करवाया
नाम था अ व्यू ऑफ द प्रेजेंट स्टेट ऑफ आयरलैंड। स्पेंसर शेरिफ ऑफ कॉर्क अपॉइंट हुए, पर उनका ये जो टेन्योर था काफ़ी शॉर्ट टाइम के लिए था। इसके बाद वो एक 9 ईयर्स वॉर में इन्वॉल्व हुए और उसके बाद उनकी डेथ हो गई। तो ये डिटेल थी एडमंड स्पेंसर के बारे में। अब हम लोग देखते हैं फिलिप सिडनी, इनका जन्म और इनकी एजुकेशन के बारे में। फिलिप सिडनी ने काफ़ी जगह ट्रेवल किया, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया। सो इसके कारण उनकी वोकेबलरी अच्छी हो गई और उनका नॉलेज काफ़ी बढ़ गया था। उनके लिटरेरी करियर और वर्क देख लेते हैं। उन्होंने जो लॉर्ड एसेक्स की एक डॉटर थी, 12 ईयर्स डॉटर, उसको डेडिकेट करके एक सोनेट सीक्वेंस लिखा था जिसका नाम है एस्ट्रोफिल एंड स्टेला। जो ये सोनेट सीक्वेंस है ये लॉर्ड ऑफ एसेक्स की डॉटर, एक 12 ईयर्स डॉटर को डेडिकेटेड था। उन्होंने एक बहुत ही ज़्यादा बोल्ड लेटर लिखा था क्वीन को, क्योंकि क्वीन मैरिज करने जा रही थी ड्यूक ऑफ एंजियो द रोमन से, रोमन कैथोलिक हेयर से, और जो कि बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था उस टाइम पे। तो इस वजह से फिलिप सिडनी ने क्वीन को लेटर लिखा और जिसके कारण क्वीन को काफ़ी गुस्सा आ गया, क्वीन काफ़ी नाराज़ हो गई। और फिलिप सिडनी वहाँ से चले गए। इसके बाद में वहाँ पे उन्होंने जाके एक पेस्टोरल रोमांस आर्केडिया लिखा। ये उनके कुछ वर्क्स हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं माइकल ड्राइटन। ड्राइटन का फर्स्ट वर्क था द हार्मनी ऑफ द चर्च। नेक्स्ट है आइडिया द शेफर्ड्स गार्लैंड, एंडीमियन एंड फॉब। ये उनके कुछ फेमस वर्क्स हैं। इनके सबसे फाइनेस्ट वर्क्स में से इंग्लैंड हीरोइक एपिस्टल्स माने जाते हैं। पॉलियोबियन इनका एक बहुत ही फेमस वर्क रहा। इनकी डेथ के बाद इनको वेस्टमिनिस्टर एबे में दफनाया गया, जहाँ पे बेन जॉनसन ने उनकी कब्र के लिए एपिटाफ लिखे। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं फल ग्रेविल। उनका जन्म और उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस। जो ग्रेविल, फिलिप सिडनी, सर एडवन डायर, ये सब लोग मिलके एक क्लब के मेंबर बन गए थे। उस क्लब का नाम था एरियोपेगस क्लब। एरियोपेगस क्लब के मेंबर थे ग्रेविल, फिलिप सिडनी, सर एडवन डायर। ग्रेविल और सिडनी दोनों सर फ्रांसिस के साथ में स्पेनिश वेस्ट इंडीज़ जाना चाहते थे। उसके बाद एलिजाबेथ ने उनको जाने से रोक दिया, जो कि सर फ्रांसिस के साथ जाना चाहते थे। तो एलिजाबेथ ने ग्रेविल और सिडनी को साथ जाने से मना कर दिया। इसके बाद में एलिजाबेथ ने ग्रेविल को द अर्ल ऑफ लेसिस्टर का जो कैंपेन था वो ज्वाइन करने के लिए भी परमिशन नहीं दी, पर उन्होंने जो एलिजाबेथ थी सिडनी को परमिशन दे दी। सिडनी की एक गोली लगने से डेथ हुई। इसके बाद में ग्रेविल ने सिडनी की डेथ पे एक एलिगी लिखी
जिसका नाम था द फॉनिक्स नेस्ट। द फॉनिक्स नेस्ट सिडनी की डेथ पे एक एलिगी थी जो कि ग्रेविल ने लिखी थी। और बायोग्राफी लिखी अपने फ्रेंड की सिडनी की, द लाइफ ऑफ द रिनाउंड सर फिलिप सिडनी। ये मेजर वर्क्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं सैमुअल डेनियल। सैमुअल डेनियल काफ़ी जगह घूमे, उन्होंने अपना नॉलेज डेवलप किया। ये उनके कुछ फेमस वर्क्स हैं। एक वॉल्यूम उनका पब्लिश हुआ डेलिया के नाम से। फेमस मास्क द विजन ऑफ 12 गॉडेसेस। सैमुअल डेनियल के फेमस वर्क्स देख लेते हैं। नेक्स्ट राइटर थॉमस कैंपियन। बर्थ एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, लिटरेरी करियर एंड वर्क्स। उनका फर्स्ट इंडिविजुअल कलेक्शन था पोएमेटा। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन इन द आर्ट ऑफ इंग्लिश पोएजी। अब हम लोग देखते हैं कि जो एलिजाबेथन एज थी उसमें भी लिटरेरी क्रिटिसिज्म आना शुरू हो गया था, तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म देख लेते हैं हम लोग। जॉर्ज केस्को जीन्स, विलियम वेब्स डिस्कोर्स ऑफ इंग्लिश पोइट्री। इसमें डिस्प्ले किया गया है शेफर्स कैलेंडर का एंथुजियाज्म और एडमायर किया गया है ट्रांसलेशन ऑफ वर्जिल को। जॉर्ज पटनहेम, द आर्ट ऑफ इंग्लिश पोएजी। ये उनकी जो द फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड बुक जो थी वो किस बारे में थी वो सब डिटेल्स दी गई हैं। फिलिप सिडनी की द एन अपॉलॉजी फॉर पोइट्री। ये ओरिजिनली टू डिफरेंट टाइटल्स के अंडर पब्लिश हुई थी, द डिफेंस ऑफ पोएजी एंड एन अपॉलॉजी फॉर पोइट्री। ये जो एन अपॉलॉजी फॉर पोइट्री लिखी गई थी ये एक प्ले राइट के रिस्पॉन्स में लिखी गई थी। स्टीफन गॉसन जो उनकी एक राइटिंग थी स्कूल ऑफ एब्यूज़, उसमें उन्होंने काफ़ी भला बुरा कहा है
पोइट्री को, उसमें गॉसन ने पोइट्री को एकदम मदर ऑफ लाइज कह दिया है कि सब झूठ है, जो उनकी भी मदर है पोइट्री। पोइट्री में सिर्फ झूठी झूठी बातें दिखाई जाती है, पोइट्री में चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है। तो इसके जवाब में द डिफेंस ऑफ पोइजी लाया गया था, जिसमें सिडनी ने पोइट्री का बचाव किया है और सारी बातों को नकारा है जो गॉसन ने पहले कही थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि पोइट्री में सिर्फ झूठी चीज़ें दिखाई जाती हैं, पोइट्री तो सच का आईना होती है। थॉमस कैंपियंस ऑब्जर्वेशंस इन द आर्ट ऑफ इंग्लिश पोइजी, पब्लिश इन 1602। ये कुछ क्रिटिसिज्म है जो सैमुअल डेनियल्स अ डिफेंस ऑफ राइम, शेक्सपियर एंड पोइट्री, वीनस एंड एडोनिस, रेप ऑफ ल्यूक्री, पैशनेट पिलग्रिमेज, जो स्टोरी है वीनस एंड एडोनिस की वो ओविड के मेटामॉर्फोसिस से ली गई है। शेक्सपियर की फोनिक्स एंड टर्टल एक एलिगोरिकल पोएम है। लवर्स कंप्लेंट एक स्टोरी नरेट करती है एक यंग वुमेन के बारे में जो कि खुद के सेडक्शन के बाद लेमेंट करती है। शेक्सपियर ने टोटल 154 सोनेट्स लिखे जो कि एक क्वार्टो के अंडर पब्लिश हुए थे। शेक्सपियर अपनी पोइट्री में एक यंग मैन को इंट्रोड्यूस करते हैं और एक डार्क लेडी को इंट्रोड्यूस करते हैं जो कि गॉडेस नहीं है। आप द सोर्स ऑफ शेक्सपियर इन पोइट मतलब सोनेट्स कहीं से तो शेक्सपियर को भी ध्यान में आता था ऐसा कि उनको ऐसा कुछ लिखना चाहिए, कहीं से तो उनको भी इंस्पिरेशन मिल रही थी। तो ये मैंने बताया आपको कि जैसा कि क्वार्टो के अंडर पब्लिश हुए थे जो 126 सोनेट्स हैं वो एक यंग मैन को एड्रेस हैं, बाकी 28 जो हैं वो उसी वुमेन को डार्क लेडी को एड्रेस किए करके लिखे गए हैं। तो ये हमने आज पढ़ा एलिजाबेथन पोइट्री के बारे में, हमने समझा कि एलिजाबेथन एज में किस टाइप के चेंजेस हुए थे और उस टाइम पे सोनेट्स किस टाइप के लिखे गए थे, इटालियन और पेट्रार्कन सोनेट्स लिखे गए थे। हम लोग इसको ब्रीफ देख लेते हैं और शेक्सपियरन सोनेट किस टाइप के थे, स्पेंसेरियन सोनेट्स में कौन कौन से प्लेराइट शामिल थे और मेजर पॉइंट जो मेन पोइट्स थे एलिजाबेथन एज के, हमने उनके बारे में रीड किया, उनके वर्क्स को देखा। अगर आपको कहीं से भी वीडियो समझ में नहीं आता है तो आप एक बार इसको रिवाइंड करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे एलिजाबेथन एज हमारी ख़त्म होती है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एज करेंगे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे फिट, थैंक यू सो मच।